हाय एवरीवन, दिस इज़ लुसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं स्पाइसी चिकन और चिकन मसाला भी आप इसको बोल सकते हो। ये थोड़ा मैंगलोर स्टाइल में हम बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहेगा इसमें और ये बहुत ही कम तेल में भी बनेगा। ये दिखने में खाली खूबसूरत है नहीं, खाने में बहुत ही लाजवाब है और बनाने में तो सिंपल है ही। तो फिर देरी ना करके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। स्पाइसी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश चिकन लेग पीस लिया है और इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। हल्दी पाउडर डालेंगे, नींबू का रस आधा यहाँ पे निचोड़ लेंगे, हाफ हाफ लेमन में ले रही हूँ यहाँ पे। देन इसमें रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून डाल देंगे, बस और कुछ डालना नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसमें दही ऐड मत कीजिएगा क्योंकि हम इसमें नारियल का दूध यूज़ करने वाले हैं। बस ये मिक्स हो गया है, इसको रेस्ट होने के लिए एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। अभी चलिए करी की प्रिपरेशन करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो तेल डाल देंगे। बहुत ही कम तेल में ये स्पाइसी चिकन बनाएंगे। तेल गर्म हो गया तो इसमें लौंग, इलायची, दालचीनी एंड तेज़पत्ता डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छा खुशबू देता है करी को। देन चीनी हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे, ये बहुत अच्छा एक नेचुरल कलर देगा। देन अभी चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और इसको भुनेंगे। जब ये ब्राउन कलर का हो जाए तभी मैं यहाँ पे प्याज का पेस्ट बना के पहले से रखी हूँ, वो ऐड कर देंगे। ये एक बड़ा साइज का प्याज, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसको अच्छी तरह से भुनेंगे ताकि इसका रॉ स्मेल चला जाए। अभी इसी मसाले में थोड़ा सा जगह बना लेंगे और उसमें डालेंगे पेस्ट किया हुआ जिंजर, गार्लिक एंड रेड चिली, जो कि मैंने पहले से करके रखा था, वो ऐड करके इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। अदरक लहसुन और रेड चिली का ये पेस्ट है और बस इस मसाले को अच्छी तरह से भुनेंगे। ये हो गया है। अभी टमाटर का प्यूरी डाल देते हैं। ये एक बड़ा टमाटर का पेस्ट है, आप चाहो तो चॉप करके भी डाल सकते हो, लेकिन फाइन चॉप करना है। बस इसको ढक के अच्छी तरह से मसाले को पकाना है। अभी चलिए ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे कि गरम मसाला पाउडर और हल्दी थोड़ा सा डालेंगे, पहले हमने डाला था चिकन में। देन चिकन मसाला पाउडर एंड नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और इस सारे मसाले को अच्छी तरह से भुनेंगे। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको आप भून सकते हो। बस इसको ढक के हमें अच्छी तरह से कुक करना है। मसाले से तेल छूट चुका है, अभी जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी आप ऐड करके इसको पका सकते हो। यहाँ पे चिकन को हमें 50% कुक कर देना है। जब ये 50% कुक हो जाए चिकन, तभी हम इसमें नारियल का दूध ऐड करेंगे। देखिए चिकन सॉफ्ट हो चुका है, तो यही टाइम है नारियल का दूध हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे फ्रेश नारियल का दूध 250 ml का ले रही हूँ, आप चाहो तो मार्केट का जो केन आता है वो वाला भी डाल सकते हो। इसको अभी ढक देंगे 10 मिनट के लिए और ये हो जाएगा। इसीलिए मैंने दही ऐड करने के लिए मना किया था, क्योंकि इसमें हम नारियल का दूध ऐड कर रहे हैं। बस देखिए हमारा चिकन रेडी है। इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं अभी और इसको ढक देते हैं ताकि खुशबू अंदर रह जाए। बस हमारा स्पाइसी चिकन रेडी है, इसको अभी प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए, आप ग्रेवी अपने हिसाब से पतला या मोटा रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता है। ऊपर और थोड़ा सा धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर देंगे तो ये और भी खूबसूरत दिखेगा। तो लीजिए, बन गया हमारा चिकन मसाला और स्पाइसी चिकन, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें हमने नारियल का दूध ऐड किया है। तो ज़रूर इसको घर पर ट्राई कीजिए एंड मुझे कमेंट कीजिए कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।